बाबा साहब ने एक बात कही थी कि पढ़े लिखे लोग मेरे कारवा को बाहर खींच रहे हैं, अंदर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखों को जब ये एहसास हुआ, ये एहसास किसने कराया? ये मान्यवर काशीराम साहब ने एहसास कराया कि बाबा साहब ने सारी चीजें कह दी लेकिन पढ़े लिखों पर आशंका व्यक्त कर दी। अब पढ़े लिखे लोग, सरकारी अधिकारी कर्मचारी और धनाढ्य लोग, इन लोगों को भी पार्टी से अपने बाबा साहब के विचारों से जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये काम किया और मैं समझता हूं अब सारे अधिकारी कर्मचारी, उसमें कुछ लोग जरूर होंगे कि जो बाबा साहब के या मान्यवर काशीराम साहब के विचारों से अवगत नहीं हो, लेकिन सब धीरे 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 करके एक जागृति के तहत सब लोग आने लगे हैं। और आज का दिन ये मैं महसूस कर सकता हूं, अभी 14 अक्टूबर को वहां पर कार्यक्रम हुआ और गाजियाबाद में कार्यक्रम हुआ, अलीगढ़ में कार्यक्रम हुआ, इतने भव्य कार्यक्रम हुए, ये सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि हमारे लोगों में जागृति नहीं, महाजागृति आने लगी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अब वो दिन रहे, वो दिन आप छोड़ दो कि हमें आरक्षण लेना है, हमें नौकरियां लेनी है, ये अब देखो बाबा साहब की वही, बाबा साहब सबसे बड़े विद्वान इकोनॉमिक्स के हुए हैं, ये मैं बता देना चाहता हूं, लोग ना समझे, सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों के लिए व्यवसाय करना, व्यापार करना, इन कामों की ओर उन्होंने वो किया था। तो मैं कहना चाहता हूं अभी देखो गडकरी साहब का ये बयान कि अब नौकरी है ही कहां, आरक्षण की बात क्यों करते हो? क्योंकि यदि आरक्षण की बात करोगे तो ना नौकरियां होंगी ना आरक्षण होगा, फिर क्या करोगे? तो मैं आपके बुलंदशहर से ही, अभी बीपी अशोक साहब नहीं है, वो मेरे साथ, उन्होंने कई बार इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपर सबॉर्डिनेट पीसीएस का मैंने यूपी टॉप किया, तो मुझे कौन से रिजर्वेशन की जरूरत थी? तो क्यों नहीं बच्चे हमारे पढ़ रहे? ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, हमें क्यों रिजर्वेशन चाहिए? मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप व्यापार करिए और भगवान बुद्ध को याद करते हुए, देवी देवताओं को छोड़ते हुए, अपने समय को लालस्ट करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब को फॉलो करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भगवान बुद्ध को भी नमन होगा और आपकी मानवता, आपका जितना समाज है वो उत्थान की ओर जाएगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।